भारतीय जनता पार्टी ना राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय श्री सुधांशु जी त्रिवेदी आज रोज राजकोट पधारी रहा होय तेवो श्रीनी एक पत्रकार परिषद योजी विशेष माहिती तेवे आपी हती। अहवाल दीपक राठौर। और उन लोगों को साथ में लेके चले जिन्होंने 20 वर्षों तक गुजरात के विकास और गुजरात की अस्मिता दोनों को रोकने में कलंकित करने में कोई कसर नहीं रखी थी। इसलिए मुझे ये लगता है कि आने वाले समय में गुजरात की जनता यह बताएगी कि किसकी क्या औकात थी। और राजकोट की जनता के तो मेरे विचार से यह बात दिल को छू गई होगी, क्योंकि वो सारी स्थिति तो उन्हीं के द्वारा निर्मित है। और उस धरती से तो मुझे ऐसा लगता है यदि गुजरात की जनता पिछले सभी कीर्तिमानों को तोड़ते हुए सबसे बड़े जनादेश से भारतीय जनता पार्टी को जिताएगी तो मुझे लगता है कि राजकोट की जनता उसमें भी सबसे अग्रणी स्थान पर नजर आएगी। अंत में मैं सिर्फ यह अनुरोध करना चाहूंगा कि एक पानी की समस्या यहाँ सबसे प्रमुख रहती थी, और पानी का एक अर्थ जल है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, और पानी का एक अर्थ ये भी होता है जिसे आप पानीदार व्यक्ति कहते हैं, जिसमें मान सम्मान गौरव और हमारी चमक वह भी पानी से ही तौली जाती है। तो जिन लोगों ने गुजरात के पानी यानी विकास और गुजरात के पानी यानी मान सम्मान और गौरव दोनों को अवरुद्ध किया, मैं गुजरात की जनता से अनुरोध करना चाहता हूँ। प्रख्यात कवि थे हिंदी के, रहीम का एक दोहा है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे मोती मानस चून। अर्थात पानी रखिए क्योंकि पानी से ही जीवन रहता है और पानी से ही मोती में वो चमक दिखाई पड़ती है। इसलिए मैं गुजरात की जनता से यह अनुरोध करूंगा कि वो विकास पानी यानी विकास और पानी यानी गुजरात के गौरव और चमक दोनों के लिए भारतीय जनता पार्टी को निर्णायक जनादेश दें। और जिस सीट जिस स्थान से मोदी जी ने अपनी यात्रा शुरू की थी, आज भारत को जिस ऐतिहासिक मुकाम पर ले जाने के लिए वो खड़े हुए हैं, वहां से इतना प्रचंड जनादेश दें कि वह इतिहास में एक नया मुकाम दर्ज कर सके।